Let's start with the very first question. No, Ketan, we will study. I want to be this virus wala teacher. You know why? तो मैंने three idiots देखा. Three idiots देखा है किस किस ने? Yes. उसमें वायरस क्या बोलता है? हाँ, कल पिछली शाम को 5 बजे मेरा बेटा मरा था और अगले दिन सुबह मैं 10 बजे की लेक्चर लेने को पहुंच गया था. I don't want to be that stupid, but yeah, it's good to be to have some work. नहीं तो फिर मैं ऐसा बीमार हूँ जैसा ना पढ़ा रहूंगा दिन भर और रात भर काम करता हूँ. आई एक्चुअली फील गुड. आई लव माई जॉब. आई डोंट नो कैसे. आई रियली लव माई जॉब. सो मेरे लिए थोड़ा इजी होता है. घर पे बैठ के पढ़ाने से इवन इजी. ट्रैवलिंग होता तो शायद थोड़ा मुश्किल होता. बट सिंस आई एम होम आई एम कंफर्टेबल. मेरे आजू बाजू को परेशान करने वाला नहीं है. आई हैव माय पर्सनल रूम. सो या इट काइंड ऑफ फील्स गुड. आई एम ब्लेस्ड आई गेस. लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अ बैटरी ऑफ EMF 4 वोल्ट. 4 वोल्ट की बैटरी है. एन इंटरनल रेजिस्टेंस आर 1 ओम इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अनदर बैटरी. अच्छा ये जो है ना एक और बैटरी के साथ पैरेलल में कनेक्टेड. ठीक है. विद अनदर बैटरी जिसका EMF 1 वोल्ट है. ठीक है. तो E2 लिखता हूँ मैं उसको. और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है ना बाल को दैट इज हाउ मच 1 ओम. विद लाइक पोल्स कनेक्टेड टूगेदर. मतलब क्या इसका पॉजिटिव इसके ऐसा कनेक्टेड. ये E1 है और ये E2 है. द कॉम्बिनेशन इज यूज टू सेंड करेंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम. ठीक है. कैलकुलेट द करेंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. वो लोग पूछते हैं मेरे को कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू 2 ओम है. इसमें जो करंट आएगा वो कितना है ये पूछा. ठीक है. टेक्निकल ग्राउंड्स में यहाँ पे मैं थोड़ा चेंजेस करना पसंद करूंगा ऐसा. ठीक है. एक 4 वोल्ट की बैटरी है और एक 1 वोल्ट की बैटरी है. एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2 ओम का. तो मेरे को चाहिए भैया ये 2 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट जाता है. ये भी मेरे को पता है कि ये दोनों जो है ना वे एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड. ये दोनों जो है वो एक दूसरे से पैरेलल में कनेक्टेड है. क्या तो कैसे चलेगा गेम बताओ जरा. दिस इज अ बेटर एप्लीकेशन. आई जस्ट फाउंड दिस एप्लीकेशन आज ही. तो बेटर एप्लीकेशन पुराने वाले से तो थोड़ा अच्छा है. कंस्ट्रक्शन करना नहीं हमको आंसर निकालना है. करेंट का कंस्ट्रक्शन क्यों करना है बेटा. चलो आंसर निकालो. थोड़ा सा दिमाग दो. सर ओनली इवन का ही करंट ट्रैवल होगा ना. डायग्राम ड्रॉ करना है पेपर में. नहीं बच्चों हमें सिर्फ करंट का वैल्यू चाहिए. आप कैसे भी करो डज नॉट रियली मैटर मच. I'll draw a better diagram for your better relief. ठीक है. सबको तो थोड़ा अच्छे से समझ जाए. मैं एक अच्छा सा डायग्राम बना दू. बोलता है कि दोनों जो मेरा ये है ना क्या बोलते हैं मेरी जो दोनों बैटरीज है ना वो दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है. तो मान लो ये मेरी एक बैटरी है 4 वोल्ट की. इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है 1 ओम. और एक बैटरी है 1 वोल्ट की. इसका खुद का एक रेजिस्टेंस है 1 ओम. ठीक है. इनको मैं ले जा रहा हूँ और एक 2 ओम कनेक्शन के साथ पास कर. ठीक है. इस 2 ओम में से कितना करंट फ्लो होगा मेरे को वो बता. क्या लगता है कितना करंट फ्लो होगा. सीधा सीधा देखो. यहाँ से आएगा मेरे पास करंट I1. यहाँ से करंट आएगा मेरे पास I2. इसके अंदर जो करंट फ्लो होने वाला है वो दैट इज I1 + I2. बरोबर. I2 इसके अंदर एंट्री मारेगा. I1 इसके अंदर एंट्री मारेगा. What do you think? क्या अप्लाई करना चाहिए यहाँ. क्या मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करूँ. हाँ क्या मैं किरचॉफ लॉ अप्लाई करूँ.
अब पहले उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, नाम देते हैं ना सारे पॉइंट्स को, बरोबर। यस, अब लूप का नाम लिखते हैं, लूप का नाम लिखते हैं ए बी ई एफ ए, ये ले लिया मैंने लूप का नाम, ठीक है। अब मेरे को जरा कोई बताओ ए टू बी के ब्रांच में क्या मेरे पास, अच्छा सबसे पहला उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबको साइन देंगे ना, जहाँ करंट एंट्री मारा वो पॉजिटिव, जहां से करंट एग्जिट ले रहा है वो नेगेटिव, बरोबर। जहां पे करंट एंट्री मारा वो पॉजिटिव, जहां से एग्जिट लिया वो नेगेटिव, जो है हमारा इक्वेशन। अब ए से बी के बीच में बताओ क्या कोई पोटेंशियल डिफरेंस है, नहीं है, वेरी गुड नजरीन। क्या बी और ई के बीच में कोई ईएमएफ या कोई पोटेंशियल है? एक ईएमएफ भी है और एक पोटेंशियल भी है, अगर तुम ध्यान से देखो, है ना, वेरी गुड। तो अब मैं अगर ईएमएफ की बात करूं तो क्या लिखना चाहिए वहां पे, मुझे -1 लिखना चाहिए कि +1 लिखना चाहिए? मैं माइनस लिखूंगा, ठीक है। बेटा करंट का तो फ्लो हम लोगों ने ड्रॉ किया ना फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मैं -1 लिखूंगा क्योंकि मैं प्लस से माइनस की तरफ जा रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे I2 करंट और रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो मैं I2 का करंट और रेजिस्टेंस 1 ओम है और मैं माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब टेक्निकली मैं प्लस की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, है ना, वेरी गुड। अब मैं E2F जा रहा हूँ, E2F के बीच में कुछ है, घंटा कुछ नहीं। F2A में आ जाओ, F2A में आई विल कम अक्रॉस -I1 × 1 +4 वोल्ट इक्वल टू 0। क्या मेरे को ये इक्वेशन समझा क्या बच्चों? हाँ, तो इससे मैंने क्या देखा, I2 − I1 + 3 = 0, देयरफॉर I2 − I1 = 3। क्या इतना सबको समझा बेटा? पूजा, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना केवीएल यूज किया, एक बार अच्छे से देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो -3, यस, इट इज नॉट +3, इट इज -3। इसको मैं I1 − I2 कर दूंगा तो +3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऐसा को सबको समझ गया है। प्रतीक्षा बेटा आपका वीडियो ऑन है, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट इट अ वर्ड, बट इफ यू डोंट वांट इट यू कैन जस्ट। हाँ, अब दूसरा लूप ले जाते हैं हम लोग, मुझे कोई तकलीफ नहीं है किसी का भी वीडियो ऑन होने से, बस मैंने इन्फॉर्म करना सोचा कि बेहतर होगा। तो आप में से किसी को अगर वीडियो ऑन रखना है तो अपना वीडियो आराम से ऑन रख सकते, ठीक है। लूप की बात करते हैं, ये वाला नीचे वाला लूप, पी सी पी ई डी, ये वाला लूप के बारे में। चलो अब शुरू हो जाए सब लोग। बी टू सी के बीच में बता मेरा कुछ है क्या? बी टू सी के बीच में कुछ भी नहीं है, ग्रेट। क्या सी टू डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस है, कोई ईएमएफ है, कोई कुछ है क्या, बताएंगे जरा मेरे को? मेरे को बताओ जरा, वेरी गुड। फर्स्ट फॉर्म है गिरजा, बी सी डी भी करते हैं। तो बी सी डी में द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम आई कम अक्रॉस इज -I1 + I2 × 2 ओम, फिर -I2 × 1 ओम +1 वोल्ट इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन कर, बाकी सारी चीजें उस पर, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है और यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 है। क्या मुझे I1 और I2 मिल जाएंगे? क्या मुझे ये जमाना एक्सेप्ट करेगा? बस उठाओ वैल्यू, तो सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना? क्या व्हाट डू यू थिंक शुड मैं वैल्यू फॉर I1 और I2, और क्या मुझे आंसर I1 I2 का ऐड करके मिल सकता है? क्या मुझे वो आंसर मिल सकता है?
एक बार अच्छे से देखो बेटा, मैं रिपीट नहीं कर रहा, बट आप एक बार अच्छे से देखो। चल अभी हम लोग अगले सन पे जाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 11 पे, ये प्रॉब्लम नंबर 10 पे, ठीक है। और प्रॉब्लम नंबर 11 बोलता है कि अगर टू सेल्स ऑफ EMA 1.5 वोल्ट, दो सेल्स है मेरे पास, एक का EMA 1.5 वोल्ट है और दूसरे वाले का EMA जो है वो 2 वोल्ट, हैविंग रेस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंसेस ऑफ 1 ओम एंड 2 ओम्स, आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम्स, फाइंड द करंट थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। बिल्कुल सेम क्वेश्चन पूछा हूँ। चल शुरू होता, फाइंड मी द सोल्यूशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I1, what is the value of I2 and what is the total value of I1 plus I2. Let's take like 5 minutes to solve this. 8:33 ho raha hai, 8:38 tak aapko ye solve karna hai. 5 minute ka time hai, bina solve karo mere ko answer do, main iske solve nahi karne wala. आंसर आ रहे कि नहीं आ रहे? 1 मिनट बाकी है खाली, अभी तक 21 मिनट बाकी है। ओके सो आई एम टाइम इट इज टाइम आई चेक फॉर आंसर्स। द लिस्ट ऑफ आंसर्स इज हियर। एक बच्चे को I1 का वैल्यू मिला। ओह माय गॉड, कितने सारे अलग अलग आंसर्स। 8:33 के बाद जो आंसर्स आए हैं, तो डायग्राम बना लो ना सर, पीछे का, पीछे का ही बोला राइट टू क्या, ये क्या पूछ रहे हो तुम लोग, डाल है ना आंसर मांग रहे हो। डायग्राम क्या है बेटा? वही है जो पहले बनाया था, सब तो सेम ही है यार। उन्होंने पूछा कि यहाँ पे I1 प्लस I2 जो आएगा वो कितना है। यहाँ से I2 आ रहा है, यहाँ से I1 आ रहा है, दोनों यहाँ पे जुड़ जाते हैं तो यहाँ से निकल के I1 प्लस I2 आ रहा है। इतना ही तो पूछा उन्होंने क्या? ठीक है, आई सपोज तुम लोग ये फिगर आउट खुद कर लोगे ये सबको कैसे सॉल्व करना है करके। आई एम नॉट डूइंग दिस प्रॉब्लम फॉर श्योर। मैंने काफी सम्स किए हैं, मतलब काफी एप्लीकेशन किए हैं KVL के, ठीक है। आई एम नॉट डूइंग दैट, बट यहाँ पे मैं आई हैव अनदर क्वेश्चन। हाउ वोल्ट मीटर, क्वेश्चन नंबर 12, उसका जो रेजिस्टेंस है दैट इज 30 ओम्स। वोल्ट मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम्स, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं R इज इक्वल टू 30 ओम। फिर बोलता है व्हाट विल बी रीडिंग व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट्स हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस 10 ओम। देखो बच्चे लोग, V पूछ रहे हो बेसिकली, तो V इज इक्वल टू IR। R का वैल्यू तो 30 ओम है, ये सेट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बट वॉट इज ई? डोंट यू थिंक ई इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर इंटरनल रेजिस्टेंस? तो अगर गिनते हैं तो ए का वैल्यू 2 लिखा,
आंसर आ गया 1.5 वोल्ट। बहुत इजी था ये क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 13 भी देखना जरा, बहुत चिंदी सा क्वेश्चन है ये भी। सब देखो जरा 13 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है, अ सेट ऑफ थ्री कॉइल्स हैविंग रेजिस्टेंसेस R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इनको तीनों को लिया पैरेलल में कनेक्ट किया। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री कॉइल्स ऑफ द सेम रेजिस्टेंस। मतलब बेसिकली उन्होंने क्या क्या बताया, ऐसा उन्होंने तीन रेजिस्टेंस लिया, 10, 12 और 15 का एक सेट लिया, फिर ऐसा ही एक और सेट लिया 10, 12 और 15 और एक सेट लिया, लेकिन नहीं नहीं हम तो सॉरी ऐसा नहीं लिया, इन्होंने ये सेट को लिया और उसको कंबाइन किया एक 10, एक 12 और एक 15 के साथ। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस एंड द करंट थ्रू द सर्किट इफ द बैटरी ऑफ EMF 4.1 वोल्ट इज यूज फॉर ड्रॉइंग करंट। वेरी सिंपल, मेरे को क्या करना है, मेरे को मेरा टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक है, आर इक्विवेलेंट निकालना है। सबसे पहले मैं काम करूंगा इनका वैल्यू निकालूंगा, इसका इसका आंसर निकालते हैं आरपी। ठीक है, हमने क्या लॉजिक सुना है, हमेशा रेजिस्टेंसेस जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो उनका कुछ मैथ्स ऐसा चलता है ना बच्चों, 10, 12 और 15 का एलसीएम लेता हूं मैं 60 का, 6 + 5 + 4 15, 15 / 60 होता है 4, तो मेरा रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो गया, इसका आंसर आ गया 4 ओम। अब 4 के साथ ये 10, ये 12 और ये 15 कितना था, 14 + 12 26, 26 + 15 41 ओम, ये आया मेरा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, तो किसी ने क्वेश्चन में पूछा था कि भैया टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, तो मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो निकाल दिया, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो था दैट वाज 41 ओम। ठीक है, अब करंट भी पूछा, तो वी अपॉन आर इज इक्वल टू करंट, वी है मेरा 4.1 वोल्ट और करंट है मेरा 41, तो इससे मेरे को एक आंसर आ गया करंट का 1/10 एम्पियर। क्या ये लॉजिक सबको दिमाग में सेट हुआ बच्चों, समझ में आया? तो बहुत सारा यस टाइप करना बच्चा लोग। अब करते हैं 14th प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। 20 सम्स है, मेरे को नहीं लगता हम लोग 20 सम्स कर पाएंगे। आई एम प्रॉब्ली थिंकिंग कि भाई करके करते हम लोग 18 तक तो पहुंच जाएंगे, तो इसके बाद के जो सम्स रहेंगे वो होमवर्क है। 6 by 4 वाले नहीं समझा, वो मैंने एलसीएम किया बेटा, मैंने यहाँ पे जो किया ना ये वाला पोर्शन में, मैंने ये वाले पोर्शन में रेजिस्टेंस निकाला ऐसे वाले फॉर्मेट, मैंने एलसीएम करने के चक्कर में वो 6 by 4 बनाया। तुमको 6 by 4 बनाने की कोई जरूरत नहीं, तुम उसको अपने हिसाब के मैथ्स में उसको सॉल्व कर सकते हो विदाउट अ प्रॉब्लम। ठीक है, अब चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 पे। प्रॉब्लम क्रमांक 14 का कहता है, प्रॉब्लम नंबर 14 बोलता है अ पोटेंशियोमीटर वायर उसका लेंथ जो है ना दैट इज 1.5 मीटर एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटायर वायर इज 10 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सेल ऑफ EMF 4 वोल्ट। एंड एन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ
5 ओम्स। कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर। पोटेंशियल ड्रॉप पर सेंटीमीटर जब पूछते ना बच्चे तो समझ जाना वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहे। क्या पूछ रहे बच्चों? वो पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहे, ये समझ जाना। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है दैट इज ऑलवेज वी बाई एल। ठीक है, और वी का वैल्यू क्या आएगा? क्वेश्चन इज वी का वैल्यू क्या आएगा? वी का फॉर्मूला था आई आर अपॉन एल। तुम लोग यहाँ पे एक बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे पता है? यहाँ पे ये ई की वैल्यू को मैंने 4 लिख लिया था ना, वो वहां पे चिपका देते और मिस्टेक कर बैठते थे, तो वो नहीं करना था। अब आई क्या होता है? ई डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। ई का वैल्यू 4 है, कैपिटल आर का वैल्यू 10 है, स्मॉल आर का वैल्यू भी 4 है, ये 5 है। ठीक है, और मेरा कैपिटल आर का वैल्यू 10 है और मेरा स्मॉल एल का वैल्यू 1.5 है। ठीक है, तो के का वैल्यू क्या आएगा? 40 डिवाइडेड बाय 15 इंटू 1.5। 10 प्लस 5 इज 15 और ये 1.5 तो मैंने इधर कर दिया। ठीक है, अब देखो जरा 40 हो गया, ये 1.5 को क्या मैं 3/2 लिख सकता हूँ? मैंने लिख दिया, 40 इंटू 2 को 80 लिखा और 15 3 को 45 लिख दिया। अब 5 से डिवाइड कर दिया तो 16/9 आ गया। अब ये आ गया मेरा क्या है ये चीज, वोल्ट पर मीटर। क्वेश्चन वालों ने वोल्ट पर सेंटीमीटर लिखा है, जब सेंटीमीटर लिखेंगे तो बेटा नीचे मीटर की जगह सेंटीमीटर डालना पड़ेगा ना तुमको। दैट इज बेसिकली 16/900 वोल्ट पर सेंटीमीटर। चाहिए तो मैथ करके आंसर निकाल लेना, इट इज कम्प्लीटली ओके इफ यू लाइक। आई वांट टू डू इट, आई एम नॉट डूइंग इट। तुमको चाहिए तो तुम लोग करके आंसर निकाल लो। तुम्हारी मिट्टी, तुम्हारा आंसर बुक है, तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, कर सकते। मुझे तो मेरी आत्मा को कोई शांति नहीं मिलेगी आंसर निकालने से, मैं नहीं निकल। बात खत्म। क्या तुम्हें इसका आंसर मिल गया? समझ रहा, तुमको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चे? यार मेरा दोस्त एंगेजमेंट कर रहा है कुत्ता, खुद के खाने के पैसे नहीं, सारा शादी कर रहा है, दूसरे की जिंदगी बर्बाद कर। फर्स्ट वाला पार्ट नहीं समझा, टू थर्ड कैसे? वो टू थर्ड नहीं था बेटा, वो 3/2 था। मैंने उसको ऊपर को जो ये जो था ना 1.5 को मैं 3/2 लिखा और ये 2 को मैं ऊपर लेके चले गया। मेरा दोस्त शादी कर रहा, साला दारू पी के गटर में गिरता है लेकिन फिर भी शादी कर। कैसे कैसा कैसा जमाना आ गया बच्चे, इन लोग को लड़की भी दे, लड़की भी कैसे मिल जाती है? इधर मैं गटर में गिरता ही नहीं हूँ, होश में भी नहीं गिरता। दारू का तो छोड़ ही दो, होश में ही नहीं गिरता मैं, फिर भी कुछ नहीं मेरे जीवन में है। अब मेरे को तो तुम लोग को ही जिम्मेदारी देना पड़ेगा, तुम लोग ही ढूंढो मेरे लिए।
ऐसा नहीं है, आई एम नॉट ऑलवेज बीन सिंगल, इट्स नॉट दैट आई वाज ऑलवेज बीन सिंगल, आई वाज नॉट ऑलवेज सिंगल. दीपक जायसवाल आपकी उम्र नहीं लड़की ढूंढने की. फिलहाल आप क्वेश्चन के आंसर ढूंढो, लड़की बाद में ढूंढना. नहीं उसकी बहन नहीं, नो लड़की का चक्कर. उसकी बहन बहन रहेगी तो नहीं 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 वो खुद ही बहुत दिल डरावनी लड़की है. उसकी बहन ना कसम का खा जाएगी किसी को. चलो प्रॉब्लम नंबर 15 पे जानते हैं. When two cells of EMF E1 and E2 are connected in series, so as to assist each other, dono ko assist karte. The balancing length is found to be 2.7 meters. मतलब E1 plus E2 करेंगे तो उसका जो balancing length था वो 2.7 meters आया. याद करो, हमने अभी पढ़ते तो पढ़ाई की थी इसकी. When the cells are connected in series, so as to oppose each other. Oppose. पहले ऊपर जो था वो assist कर रहे थे. तो assisting में क्या होता है ना बेटा, हम लोग plus लिखते हैं. ये oppose लिखा ना तो यहाँ पे आएगा minus. और यहाँ पे जो balancing length दिया ना बेटा, दैट इज 0.3 meter. बोलते even or even के वैल्यू निकाल के, तो कोई तकलीफ नहीं बेटा, दोनों को डिवाइड कर देंगे अपन. 2.7 डिवाइडेड बाय 0.39. अब करेंगे यूज कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो का. कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो बोलता है कि भैया दोनों को, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर दोनों को ऊपर ऐड करना. मतलब E1 प्लस E2 को लेने का, E1 माइनस E2 के साथ ऊपर ऐड करने को, नीचे सब ट्रैक कर देने. नाइन प्लस वन अपॉन नाइन माइनस टू, ठीक है. तो इवन प्लस ई टू प्लस इवन माइनस ई टू डिवाइडेड बाय इवन प्लस ई टू माइनस इवन प्लस ई टू इज इक्वल टू 10/8. कट 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 कट, सो इट्स लाइक 2 इवन अपॉन 2 ई टू इज इक्वल टू 10/8. कट कट 4 5. तो यहां से मेरे को एक चीज तो पता चल गया, स्क्रीन इज नॉट विजिबल. हाउ इज दैट पॉसिबल बच्चों? इवन अपन ई टू का जो वैल्यू आता है दैट इज 5/4. क्या सभी को ये स्क्रीन विजिबल नहीं आ रहा? क्लियर है? ओके केतन, आई गेस सम इंटरनेट इश्यूज फ्रॉम योर साइड, प्लीज चेक थ्रू इट. बस मैंने हल्का सा मैथ किया यहाँ पे. अगला जो हमारा प्रश्न है, कौन सा कलर ले, ग्रीन कलर होगा. 16 का प्रश्न नंबर 16 कहता है द ईएमएफ ऑफ अ सेल इज बैलेंस्ड बाय लेंथ ऑफ 120 सेंटीमीटर और पोटेंशियोमीटर वायर. एक ईएमएफ है एक सेल का, वो उसका बैलेंसिंग लेंथ जो है ना वो 120 सेंटीमीटर है पोटेंशियोमीटर वायर. इफ द When the cell is shunted by a resistance of 10 ohms, अब इस सेल को ना शंट लगा दिया और ये शंट का वैल्यू कितना है 10 ohms है. शंट का मतलब होता है पैरेलल में 10 ohm लगा. Now the balancing length is reduced by 20 centimeter. मतलब पहले 120 था, अब 120 में से 20 कम हो गए यानी 100 सेंटीमीटर हो गया. बोलते हैं फाइंड आर, फाइंड स्मॉल आर, ठीक है. एक तो शंट लगा दिया और बोलते स्मॉल आर का वैल्यू निकाल के बता. हाउ विल यू डू दैट?
स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आर L1 अपॉन L2 -1। शंट लगाने का मतलब अगर ध्यान से देखो ना, तो मेरा वही पोटेंशियल इंटरनल रेजिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला है। बैलेंसिंग लेंथ L1 और L2, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस क्या है? शंट है। L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू -1। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक मैथ्स लगेगा बच्चों। 12 -10 अपॉन 10 एंड दैट इज 2 ओम्स। हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस, 1 सेकेंड में गेम खत्म। खत्म बोले तो खत्म। प्रश्न नंबर 17। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ अ वायर अलोंग अ वायर इज 5 × 10⁻³। तो के का वैल्यू आ गया। इफ द ईएमएफ ऑफ सेल बैलेंसेस अगेंस्ट अ लेंथ 216 सेंटीमीटर ऑफ दिस पोटेंशियोमीटर। ठीक है, बोलता है बैलेंसिंग लेंथ जो है 216 सेंटीमीटर है, और मेरे को उसका ई एम एफ निकालना। अरे इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, क्योंकि ई एम एफ जो होता है वो के एल होता है। के का वैल्यू 5 × 10⁻³ है और बैलेंसिंग लेंथ 216 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना जरूरी है, ये ध्यान में रखो। बस 5 को 216 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 1080 और ये हो जाएगा 10⁻⁵ वोल्ट। खत्म। लास्ट के 3 सम बाकी है, फिर ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा हमारा, एक और चैप्टर खत्म हो जाएगा। इजंट इट प्रिटी 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 प्रिटी। प्रश्न नंबर 18 देखो सब लोग। इट्स ऑल्सो इजी क्वेश्चन। द रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम एंड इट्स लेंथ इज 8 मीटर। ओके, a resistance box in the battery and a 2 volt battery are connected in series with IL. With IL, with it होगा ना, with it. What should be the resistance in the box if it has desired to have a potential drop of 1 microvolt per milliliter? 1 microvolt per millimeter है ना? तो इसको basically 10⁻⁶ volt है, और millimeter का मतलब होता है 10⁻³ meter. इसका आंसर होता है 10⁻³ वोल्ट पर मीटर। ये हमको के का वैल्यू आना चाहिए, तो इसी कारण से जो एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगेगा ना, उसका वैल्यू क्या होगा? तो मैं उस रेजिस्टेंस इन दी बॉक्स को आर बी लिखता हूँ, वो जो बॉक्स है ना जिसको अटैच किया गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, मैं इसका वो सर्किट डायग्राम बना देता हूँ। एक ईएमएफ है 2 वोल्ट का, इसके बाहर यहाँ पे एक 8 ओम का रेजिस्टर लगा है, यहाँ पे एक आरबी लगा है, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा। मेरे को आरबी का वैल्यू चाहिए। भैया मैं बेसिक लॉजिक लगा रहा हूँ, बेसिक लॉजिक का हमको पता है कि के इज इक्वल टू वी बाई एल होता है, और वी का फॉर्मूला होता है आई आर अपॉन एल। क्या इतना लॉजिक सबको समझ में आ गया? ठीक है, अब आई क्या होता है? ई बाई आर प्लस आरबी टोटल इंटू आर बाई एल। अब ई का वैल्यू है 2, आर का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 8 है, आर बी का वैल्यू ढूंढने को बोला है। कैपिटल आर का वैल्यू 8 है, लेंथ का वैल्यू 8 है, तो 10⁻³ जो मेरे के का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न में, उसका आंसर आता है 2/8 प्लस आर बी। बार भी नहीं है, आर बी बोला मैंने, वरना बच्चे बार भी सुनकर सोचे जाते हैं। प्लस मल्टीप्लाई 8 + RB को उधर भेज दिया और 2 के नीचे 10⁻³ को भेज दिया। अब 10⁻³ ऊपर जाएगा तो 10⁻³ बन जाएगा। सर कैन यू प्लीज शो द बिफोर स्लाइड? सर 17 नहीं समझा। ओके, रुक जाइए, खत्म खत्म करते फिर उसके बाद स्लाइड पे जाएंगे। ठीक है, मैं बस बेसिक चीजें कर रहा बेटा, बेसिक मैथ कर रहा, कुछ खास भयंकर कर ही नहीं।
2 × 10³⁴ 2000, और आरबी का वैल्यू 2000 - 8 1992। ठीक है, एक बार मैं ना पीछे वाली स्लाइड पे जाता हूँ और फिर हम लोग देखेंगे। हाँ, एक बार वापस से देखते हैं। चलो, ये 17 क्वेश्चन था। जिनको 17 नहीं पता चला, वो लोग को ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। E इक्वल टू के एल, मैं के की वैल्यू लिया, एल की वैल्यू लिया, एल को मैंने मीटर में कन्वर्ट किया और फिर बस मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आर भी मतलब वहां पे ना क्वेश्चन में बोले कि रेजिस्टेंस बॉक्स डाला है, वो रेजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू ढूंढने का मैंने बस मैथ्स यूज किया, बेसिक मैथ्स यूज किया, कुछ खास कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं किया। ठीक है, बच्चों मैंने 10⁻³ कहाँ से आया, एक केस आया बच्चा, ये 10⁻³, जिसको नहीं पता चला ये के ऐसा कैसा है तो देखो जरा, ये 10⁻⁶ था ना ऑलरेडी, ये 10⁻³ ऊपर चले गया तो +3 हो गया, जिसका आंसर 10⁻³ वोल्ट पर मीटर आया। 10⁻⁶ ये माइक्रो वोल्ट दिया ऐसे 10⁻⁶ था, या मिलीमीटर ऐसे 10⁻³ से, उनको उसे कन्वर्ट कर दिया उनके एक्चुअल वैल्यूज में। टेक्स्ट बुक का आंसर जो है वो थोड़ा सा गलत है बेटा, था स्पेलिंग मिस्टेक, स्पेलिंग मिस्टेक बोलो, एरर है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे और लास्ट में हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 19। 20 वाला 19 वाला विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, सो आई एम लाइक चलिए 20 कर लो, और 19 वाला तुमको होमवर्क दे दूंगा उसमें। तो अभी भी देखो टीचर्स हमेशा इजी सम्स करते हैं और हार्ड सम्स करते हैं स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, तो मैंने हार्ड वाला सम तुम्हारे लिए रखा है, सो बी लाइक द नाइस स्टूडेंट्स एंड स्टार्ट सॉल्विंग द हार्ड वाला सम। ओके, गुड बॉयज एंड गुड गर्ल्स, ओल्ड मीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम्स। What will be its reading when it is connected across a cell of EMF 2 volts? An internal resistance 20 ohms. मैं तो पूछा V का value. Oh my God, it's so chindi. Do you know the value of V? Do you know the value of V? What is V? IR, Vina, IR. What is I? E by R plus R into R. V is equal to E. What is the value of E? What is the value of R? What is the value of small r? And what is the value of R? So that is like 2 upon 120 into 100. Jilo jilo khat. 20 upon 12. So 5 is at 20, 4 3 is at 12. 0. No, not 0. 1.66 volt. Then you get this answer. अब ये पता मैंने नहीं बताया होगा या तुमको पता, ये एक्चुअली तुम्हें पता होना चाहिए, अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें ये फॉर्मूला अभी याद कर लेना चाहिए, मतलब याद कर लेना चाहिए, जैसे उसका नाम याद है ना, दिलो अपने दिल जहान संसार, ठीक है, राइट साइड, क्या हुआ है आपके मुंह को, कभी कभी आई एक्ट लाइक व्हाट स्टूपिड स्टूपिड पे निभा निभी वाली फीलिंग ले लेता हूँ। मतलब एक हमारे टाइम में ना लिटरली बाबू सोना जो था ना वो इमर्ज हो रहा था, लाइक सब मेन स्ट्रीम नहीं आया था, सो अनफॉर्चुनेटली आई नेवर गेट टू डू दैट गॉट टू डू दैट बाबू सोना मेरे बेबी ने ताना ताया क्या, मतलब मैं उस एज में था नहीं जब ये सब शुरू हो रहा था, मतलब लाइक मैं अगर 2 साल छोटा होता ना तो मैंने ये सब देखा होता, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज इन दैट एज एंड लॉट ऑफ पीपल से दैट आई बिलोंग टू दैट एज, तो बस वही निभा निभी वाली हरकत हो गया। आई एम वेरी यंगर देन यू थिंक, ये
प्लस जब मैं ऐसा थोड़ा ये रहता है ना, जो मेरी क्या बोलते हैं, आई एम लाइक काइंड ऑफ सेकी फीवरिश, तो आई काइंड ऑफ एक्ट ट्राई टू एक्ट लिटिल बिट मोर प्लेजेंट, और एल्स आई एम लाइक अ मोरॉन इन अदर कंडीशंस। मतलब आपकी कोई थी ना, अरे नंबर था शक्ल पे मत जा मेरे वो अलग दिन थे जब आई वॉज लाइक आई एंजॉयड माई डेज, आई विल से दैट, आई विल नेवर से दैट आई डिड नॉट डेट, आई डिड नॉट डू एनीथिंग दैट आई वॉन्टेड टू डू, आई डिड ऑलमोस्ट डिड एवरीथिंग दैट आई वॉन्टेड टू। हाँ एक था पैरासीलिंग करनी है मेरे को, बट मेरे को इतना ज्यादा डर लगता ना हाइट से, वो जो तुम लोगों ने बीच में वो बंदे का ये देखा ना पैराग्लाइडिंग वाला वीडियो, वो वाला मैं हूँ, बस मैं मुंह से गालियां नहीं देता इतनी ज्यादा, बट देता तो उसकी शादी होते देख के आपका जरीना, नहीं नहीं सीरियसली नहीं, आई एम द वन जिसको शादी का टॉपिक बहुत वाहियात लगता है, लाइक आई डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ मैरिज नॉट मच, तो मेरे लिए तो अच्छा ही है, एक जानवर कम हुआ करके, अब वो थोड़ा सा सुधर जाएगा। आई होप सो, लाइक आई जस्ट होप कि वो वेरी गुड सर, 17 वाला स्लाइड प्लीज शो, मतलब आप कभी शादी करोगे ही नहीं, आई डोंट नो, मे बी नॉट, यू गाइस विल सी, पता नहीं जो होगा जीवन में, मैं उस पर ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा फिलहाल तो, अभी तो नहीं, यस दैट इज सो ट्रू, आई एम नॉट गेटिंग मैरिड एनी टाइम सूनर, लाइक द नेक्स्ट 2 इयर्स तो पता ही नहीं, उसके बाद का पता है। Like I'm very happy single, and I don't want to murder my happiness by getting married. फिर वो पता नहीं यार। You want to write all slides? Yes, you will have to write all slides. So here you got to start copying. Okay, if you start copying, I will not be able to answer your questions. Do copy. Answering questions is not that important. मैं जगह बना लूँगा। कभी भी नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम ऑल्सो सेइंग कि फिलहाल तो नहीं, डन सर कॉपिंग, माय गॉड यू कॉपीड 11 क्वेश्चंस, रोहन में पढ़ा रहा था तभी तो कॉपी कर रहा था ना नाले, सेकेंड सम मैं नहीं करूंगा बच्चों, मैं सेकेंड सम और 19th सम तुम्हारे लिए छोड़ा है, आप फर्स्ट सम के आंसर निकाल सकते हैं इस टाइम पे। आईवन का वैल्यू 2 एम्प्स आ जाएगा, माइनस एम्प्स, आई एम टॉकिंग अबाउट मी, ओह नाजरीन यू वोंट एवर गेट मैरिड, आप पीपीटी सेंड करोगे ना, नहीं भेजूंगा मैं, तुम लोग चुपचाप से लिखो, व्हाई इज सो, लाइक आई नो दैट आई एम नॉट कैपेबल ऑफ गेटिंग मैरिड बिकॉज आई डोंट थिंक आई एम रिस्पॉन्सिबल इनफ टू गेट मैरिड नाउ, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा, इज एवरीथिंग ओके विद नजरीन, लाइक यू जस्ट डोंट लाइक द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड, और किसी को देख के ऐसा लगता है क्या शादी करना बेवकूफी है करके, बकवास है मैरिज, दैट्स माय गर्ल आई एम ग्लैड दैट्स परफेक्ट नजरी, दैट्स द परफेक्ट थिंग आई हैव हर्ड इन सो मच टाइम, व्हेन एवरीवन आई कम अक्रॉस इज लाइक शादी कर ले शादी कर ले, शादी अच्छी चीज है, शादी अच्छी चीज है, घंटा शादी अच्छी चीज है, आई डोंट बिलीव दैट इन रिलेशनशिप, ओके I believe in relationships, I believe in all sort of love and lovey-dovey stuff, but marriage is not.
I'm believing in those lovey-lovey stuff, you know, being curious, being wanting to have someone, and all of that stupid shit. Sir, slide में I one plus I two, I three, I two minus three आएगा ना? I one plus I two नहीं आएगा बेटा, वो I one minus I two आएगा, और वो plus three ही आएगा. I know, निखिल, क्या बता, जिंदगी कहाँ ले जाएगी हमें नहीं पता. ये लोग शादी नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, साथ में अपन हिमालय जाएंगे, वहीं पे अपन अड्डा डालेंगे एक अविवाहित लोगों का, उस अड्डे में रहने का सारे लोग. ओके नाइस. केदारनाथ सर, केदारनाथ का पता नहीं, अलग प्लान है, बट मेरे को नहीं जाना अभी फिलहाल, तो नहीं जाना, आई डोंट नो. लेकिन सर आपने माइनस थ्री लिखा है ना स्टार्ट में. हाँ, वो आई टू माइनस आई वन का वैल्यू माइनस थ्री बचा. अगर मैं साइंस को चेंज करूंगा ना तो वो प्लस थ्री हो जाएगा. तो यहाँ पे मैंने बाजू में किया ना, यहाँ पे बाजू में जो किया है वो मैंने साइंस को चेंज करने के बाद किया. साइंस को अगर मैं चेंज नहीं करूंगा तो वो प्लस ऐसा का ऐसा ही रहे. मैंने साइन को चेंज कर दिया और मैंने उसको ऐसा बना दिया, सो दैट मैं उसको यहाँ पे बहुत इजिली यूज कर सकूँ. ठीक है, ये स्लाइड हो गया सबका. क्वेश्चन नंबर 11 का मैंने स्टार्टअप दे दिया है. ठीक है, एक बच्चे का कॉपी करना थोड़ा सा पेंडिंग है, तो विल जस्ट वेट फॉर लाइक अ मिनट और समथिंग. थोड़ा कॉपी कर लो फटाफट, जैसे कॉपी करके हो गए, सब लोग हेल्प डालो यार. चलो, ये तो हो गया लगता है सॉल्व करते हैं. अब फटाफट इस पे आ जाओ. 12 और 13, अभी ज्यादा टाइम नहीं बचा, तुम्हारा 5 मिनट में लेक्चर खत्म हो जाना चाहिए जनरली, तो मैं बोल रहा था फटाफट फटाफट अपनी उंगलियां घुमाओ, आगे बढ़ा रहा हूँ मैं. एक काम करो बच्चा, अभी स्क्रीनशॉट लेना स्टार्ट कर दो. ठीक है, आई विल काउंट फ्रॉम 1 to 5 एंड आई सपोज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लोगे तब तक, है ना. 5 4 3 2 1. लो इस 5 4 3 2 1. और एक स्क्रीनशॉट का टाइम लो, इसका स्क्रीनशॉट 5 4 3 2 1. चलो बच्चे लोग, टाटा, हैव फन, एंजॉय, गुड नाइट.